शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। देखो बेटा, तुम्हारी माँ के पास बहुत कम समय बचा है। जो कुछ आखिरी के चंद दिन बचे हुए हैं, उन्हें आरामदेह बनाओ। शवनी, ये कहाँ है? तो कुछ अस्पताल का पर्चा लग रहा है। बेटा, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी माँ की रिपोर्ट्स आ गई हैं? अब छोड़ो ना बंटी, अब क्या करोगे पढ़ के? अरे, हमने भूख क्यों छीनी? हमें पढ़ने तो दो। आवा बेटा बंटी, अरे ये सब क्या है? बोतल तो रखे हो यार। कहो क्या हो रहा बंटी? ये सब क्या है बंटी? वो जब से पंखुड़ी बुआ गई है ना, तब से घर की रौनक ही उड़ गई है। सब उनको याद करे जा रहे हैं, हमारे ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो हमने सोचा कि हमारे तरफ ध्यान लाने के लिए आप सिर्फ एक ही तरीका है, एक गेम खेलेंगे, रुक और डेयर। मतलब या तो आपको सच्ची सच्ची बोलना पड़ेगा, या फिर जो काम हम बोलेंगे वो करना पड़ेगा। और त्रुटो डेयर आप लोग खुद से चुन सकते हैं। ये ठीक किया बंटी ने, माँ का मन अच्छा हो जाएगा। तो चलो सब लोग बैठो बैठो। नहीं नहीं, हम नहीं खेलेंगे बंटी, वैसे भी आधे लोग तो है ही नहीं, आप लोग खेलिए। लेकिन भावना बुआ क्यों? सिर्फ वीरेन मामा ही तो नहीं है? वही तो, हम लोग उनके बिना भी खेल सकते हैं। नहीं बंटी, हमारा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। ऐसे तो गुड़िया बनी पूरी हवेली में डाँव डाँव घूमती रहती हो, आज बच्चा बनने का मौका मिला है तो खेलोगी नहीं? बैठ जाओ, आज हम भी फ्री है, चलो सब खेलेंगे। ठीक है। तो फिर ठीक है, जिसके ऊपर बॉटल आएगी उसकी बारी आएगी, और उसे त्रुत या फिर डेर लेना होगा। आप लोग चुन सकते हैं। तो फिर चलिए। तो फिर बाबा आप क्या चुनेंगे, त्रुत या फिर डेर? अरे बेटा, हमें तो तुम पे बिल्कुल भरोसा नहीं, कुछ ही पूछ लो जवाब ना दे पाएंगे हम। ऐसा करो, तुम वो डेयरिंग वाला दे दो। तो फिर आप गाना गाएंगे? गाना? बेटा गाना तो गुसल खाने में गाते हैं, हम अच्छा नहीं गा पाते हैं गाना। ये तो असली खेल है भानुताओ जी। अच्छा ठीक है, तुम लोग इतना जोर दे ही रहे हो तो। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। अरे हमसे नहीं। चलिए भाभी, अब हमसे तो सच ही बुलवा लो, काहे कि ड्रामेबाजी हमसे होगी नहीं ना। तो क्या पूछे, क्या पूछे? अरे बहू, तुम तो सच बता दो कि तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सार क्या है। हमारी जिंदगी का सार? अरे अब
एक ऐसे नहीं खड़े होके बताओ ना। चंद्रा के जीवन का सिर्फ एक ही सच है और वो किसी से छिपा नहीं है। भानु जी, हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन भानु जी की नाराजगी, उनकी बेरुखी और उनसे बिछड़ना नहीं बर्दाश्त कर सकते। चंद्रा किसी को खोने से नहीं डरती, लेकिन इनके बगैर चंद्रा की सांस भी नहीं आती। क्या बात है भाभी, दादी कह दी थी रावण के भी कमजोरी होती है। चंद्रा ताई जी की जिंदगी का यही सबसे बड़ा सच है, जो उनकी ताकत भी है और कमजोरी भी। हम पे आ गई दादाजी, आपकी बारी। आप कोई फिल्म में एक्टिंग कीजिए। फिल्म में? हाँ, सही है, कर देते हैं। कितने आदमी थे? दो, वो दो और तुम तीन। खाली हाथ आ गए? अरे आते समय समोसा ले आते। क्या बाबू जी, खेल में भी खाना। अरे शरद कहाँ गया? तो चाचू आप क्या चुनेंगे, त्रुत या फिर डे? भाई हम तो आप सच ही चुनिए। ठीक है भाई, पूछो क्या पूछना चाहते हो। आप हमसे प्यार करते हैं? अरे भैया, हम तो पूरी तरह पत्नी भक्त हैं और अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं। वाह, तो अच्छा बताओ श्रवणी, तुम क्या चुनोगी? देखो हमें तो सच बोलने की आदत है। तो फिर ये बताओ कि सुबह से तुम इतनी परेशान क्यों हो? वो क्या है ना, हमें माँ की तबीयत की बहुत चिंता हो रही थी। क्यों हमारी चिंता करती हो, अब ठीक तो हैं हम। श्रवणी सिर्फ चाची के जरा से बीमार पड़ने पे इतनी परेशान तो नहीं हो सकती, पक्का कोई बड़ी बात है। दूसरी बारी, चाची आपकी बारी, आप अपनी दबंगई दिखाइए। नहीं बेटा, हम क्या कर सकते हैं। अच्छा कुछ कर देते हैं, मुझे कुछ पकड़ा दीजिए जिससे हम कुछ कर पाए। बंटी तुम कितने लापरवाह, देखो तुम्हारी वजह से माँ को लग गई ना चोट। श्रवणी ऐसे बात नहीं करते बेटा, पर बंटी ने कौन सा जानबूझ के मारा है, उससे गलती से लग गया। नहीं माँ, वो किसी का ख्याल नहीं रख सकता। नहीं बेटा ऐसा नहीं बोलते, जब देखो तब उधम मचाया रहता है।
अच्छा बस बहुत हो गया नेत्रा, तुम आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। वैसे खेल तो बहुत अच्छा है, कभी कभार खेल सकते हैं ये खेल। हमको ज्यादा ही बोल दिए बीना को, वो तो हमें कुछ बोली भी नहीं, चुपचाप सुनती रही। हम भी ना पता नहीं क्या हो जाता है कभी कभी हमें। इतनी मुश्किल से तो एक दोस्त बनी थी जिससे हम मन की सारी बातें कह लेते थे, पता नहीं किसकी नजर लग गई। हमको समझ नहीं आता आखिर प्रीति के पति को हमसे दिक्कत का है, पता नहीं काका गलतफहमी भर दिए हैं उसके दिमाग में हमारे लिए। एक बार फोन करके देखेगा शायद उठा ले, करके देखते हैं। बीना, शुक्र है तुमने फोन उठाया, हम तो डर ही गए थे। बोलो। हमें माफ कर दो प्रीति, हमने तुम्हारे बाबा जी के लिए बहुत कुछ उल्टा बोल दिया। हम एक जरा सी बात के लिए तुम जैसी अच्छी सहेली नहीं खोना चाहते। हम भी कुछ ज्यादा ही बोल दिए तुम्हें, बाद में हमें बहुत पछताए, हो सके तो तुम भी हमें माफ कर दो। वो हम एक जरूरी बात। प्रीति कहाँ हो तुम यार, हम कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। अच्छा सुनो, हम ना तुम्हें कल कॉल करते हैं, वो इनको कहीं जाना है ना, तो बस उसी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, रखते हैं। एक पल के लिए तो हमें लगा शरद जी की आवाज थी, हमारे कान धोखा खा रहे हैं या प्रीति के पति की आवाज शरद जी से इतनी कैसे मिल सकती है। कितनी सुंदर लग रही है ना आप माँ, चैन से सोई बिल्कुल परी के जैसे। लेकिन आपको खो देंगे ये सोच के हम तो कभी सो ही नहीं पाएंगे, हम आपके बिना कैसे जिएंगे। कौन है? श्रवणी तुम हो बेटा? हाँ माँ। सोई क्यों नहीं अभी तक? आप हमेशा कैसे पहचान लेती है कि ये हम है? 9 महीने इसी कोप में रखा है तुझे, बिना सुने बिना देखे तुझे नहीं पहचानेंगे तो और किसे पहचानेंगे हम? और तू सोई क्यों नहीं अभी तक? हाँ देख रहे हैं हम, पिछले 3-4 दिन से हमारे साथ सोने भी नहीं आ रही हो। अरे नहीं नहीं माँ, ऐसा नहीं है। वो क्या है ना माँ, हम देर तक बहुत खटर पटर करते रहते, आपकी तबीयत भी खराब है, कहीं उससे आपकी नींद खराब हो गई तो? ये सोचकर हम अपने कमरे में चले गए थे पुराने वाले, और जब हमें आपकी चिंता हुई हम आपके पास आ गए। इधर आ हमारे पास। खटर पटर से नींद खराब नहीं होती हमारी। सवनी, पहले तो माँ बाबा के बीच में आकर सोया करती थी और आजकल सिर्फ माँ की याद रहती है, बाबा को भूल गई। हम सब देख रहे हैं। अरे नहीं नहीं बाबा, ऐसे कैसे भूल सकते हैं भला आपको। वो क्या है ना, जब मन घबराता है तो मुझसे माँ का ही नाम निकलता है। नहीं गुड़िया, मन क्यों घबराता है तेरा, हम है ना तेरे साथ हमेशा। इधर हमारी गोदी में सर रख,
तुझे ऐसा सुलाएंगे कि जो डर है ना तेरे आसपास भी नहीं भटकेगा हमेशा। और नहीं तो क्या, हमेशा। चाय खास बिना ताई जी ने आपके लिए बनाई है मसाला चाय। कैसी है? बहुत अच्छी है। अरे मां दीजिए हमको। रुके हम अभी रुमाल लेकर आते हैं। आ बेटा बहुत जोर का ठसका लग गया। मैं ये लीजिए रुमाल। ठीक तो है ना माँ? हाँ मित्रा क्या हुआ, सब ठीक है? तुम्हारी खांसी की आवाज बाहर भानु भैया और हम सुन लिए थे। भानु भैया ने हमें डपट मार के कहा कि जाओ पहले बहुरिया को देखो। तुम ठीक तो हो ना? चलो अच्छा है, आप भी लग जाइए हमारी सेवा में। ये भगवान बाबा रुमाल पे खून ना देख ले। कब बवाल लेके घूम रही है बाना? तुमको पता है बाना, इसका एक बूंद भी अगर ऊपर नीचे हो गया ना तो गले का आफत हो जाएगा। इतना तगड़ा इन्फेक्शन होता है ना इससे कि गला खून फेंकने लगता है। फेंको इसको, फेंक क्या? अरे 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 अरे, अरे मतलब बढ़िया है, काम करेगा ना? सारा काम बिगाड़ के रख देगा ही, लेकिन हमारा तो बनाएगा। हमारे लिए नहीं है, नेत्रा के लिए। वो तो पहले से बिगड़ी हुई है बहना। ठीक है नेत्रा ठाकुर, तो नेत्रा का रिपोर्ट है, इसका क्या करोगी? करेंगे नहीं, कर चुके अदला बदली। नेत्रा को वायरल है ना बुखार? नहीं कैंसर है, कैंसर। कैंसर? हाँ, क्योंकि ये रिपोर्ट कैंसर की है। अदला बदली। एक काम करें बेटा, माँ को डॉक्टर साहब को एक बार फिर से दिखा दे। बेटा माँ का ध्यान रखो, हम पानी लेकर आते हैं। ठीक है ठीक है, अरे जल्दी माँ पानी भी लीजिए। अब ठीक हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं होगा ना जी? हाँ। हमें कुछ तौलिया तो पकड़ा दीजिए। हाँ। रुमाल तो बहुत गीला हो गया, इसे धोने में डाल दीजिए। अब लाइए ये हमें दीजिए ना, हम धो देंगे, आप क्यों बेवजह परेशान होते? तौलिया तौलिया रुके, हम लाते माँ। ये लीजिए तौलिया आप। हम अभी आते बाबा, आप माँ का ख्याल रखिएगा ठीक है? हाँ बेटा। जय हो भगवान, कसम बन कमाल हो तुम। तुम्हारा ना कोई जवाब हो आप नहीं, कहा भौकाल रच दी हो। मारी नहीं उस नेत्रा को, बस यही घर में। अरे मारेंगे काहे, हमारी प्यारी देवरानी जो है उनका राबा पसंद नहीं हम। ऐसे ही आफत टल रही है तो काहे अपने हाथ खून से रंगे। तुमको लगने का थोड़ा सा ज्यादा कर दिए तो क्या करते? यहाँ भरत मिलाप हो रहा है और हम चुपचाप अपने बर्बादी का तमाशा देखते हैं।
ऐसी फिरकी घुमाए है ना कि अब फुसरा बनी है। हमसे बिगड़ने के बारे में नहीं सोचे, सिर्फ सोचे कि हम अपनी माँ को कैसे बचाएं, अपनी माँ की तबीयत कैसे ठीक करें। डॉक्टर से कहलवा दी कि नेत्रा को अपनी हवा पानी बदलने की बहुत जरूरत है और इस हवेली में पिसाच के जैसे हर दीवार पे चिपकी रहती है ना, देखना खुद अपना बुरिया बिस्तर बांध कर निकलेगी। का दाव फेंकी हो बहना, सही समय पर सही दिमाग चलाई हो। दिमाग काम नहीं कर रहा था हमारा, एकदम सुन्न पड़ गए थे हम। और जब वो नेत्रा बेहोश हुई और भानु ने अपने भाई को गले लगा के जो रोका है ना, कसम से हमारे पैरों तले जमीन निकल गई थी। हम सोचे हम तो गए, पर ये अगर अपने बेहोश होने का नाटक करके इतना बड़ा फायदा उठा सकते हैं तो हम तो चंद्रा हैं, हम कैसे नहीं मौके का फायदा उठाएंगे। की तबीयत में पहले से कुछ सुधार हुआ क्या? नहीं बेटा, बल्कि कैंसर और बढ़ता ही जा रहा है, सुधार की कोई भी गुंजाइश नहीं है। श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।